नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोहर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले को लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन धारण करके और खड़े होकर विरोध जताया। साथ ही इस दौरान जोशी ने कहा कि पहले विपक्ष ने पीएम मोदी को अपमानित किया, फिर राष्ट्रपति को और अब उपराष्ट्रपति को अपमानित किया, लेकिन उपराष्ट्रपति का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा।
और संसद सुरक्षा को लेकर संसद में धाराओं का आयोजित किया, तो वहीं कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रवक्ता अलका लांबा से इंडिया वॉइस संवाददाता अजय चौहान ने खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और मिमिक्री के मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष का विरोध जताते हुए उपराष्ट्रपति के सम्मान में खड़े सर्वोच्च सदन राज्यसभा में खड़ा रहकर विरोध प्रदर्शन करने वाला था। सत्ता पक्ष की तरफ से इस दौरान मौन रहने की बात भी कही गई थी, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उनके इस पहल पर उनका शुक्रिया किया और उनको बैठा दिया। मिमिक्री पर राज्यसभा में अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। We'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया है, उसको लेकर जो है मुझे निराशा हो रही है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है, और भारत के लोग उनसे इससे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं आगे। देश की सबसे बड़ी संसद के सामने संसद से निलंबित सांसदों ने अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन टीएमसी सांसद और कांग्रेस सांसदों ने भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया। और तो और, वहीं राहुल गांधी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वीडियो बना रहे थे, जिससे किसान समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में पालम के सुरेंद्र सोलंकी प्रधान ने खाप पंचायत बुलाई। उसी दौरान किसानों ने कहा कि यह अपमान भारत के सभी किसान बिरादरी का अपमान है। कांग्रेस सांसद और टीएमसी सांसद महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सभी माफी मांगे, नहीं तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे।
वो मात्र कुछ लोगों का नहीं होता, और एक उपराष्ट्रपति का अपमान करना बड़ा ही ऐसो बनिए है और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो इस पंचायत का मकसद ये है कि हम इन लोगों को जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनको बता देना चाहते हैं कि ये देश के करोड़ों किसान जो देश की सीमा पर के बॉर्डर पर अपने बच्चे भेजते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं, करोड़ों लोगों का पूरे देश का अन्न पैदा करके पेट भरते हैं, और जो आज अगर खेल के मैदान में देखा जाए तो सर। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा कभी नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे अपने ऊपर क्यों लिया है। मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया है तो क्या वे राज्यसभा में इस तरह का व्यवहार करते हैं? हैव नेवर एनी इंटेंशन टू हर्ट एनीवन। धनखड़ साहब इज ऑल्सो इन माई प्रोफेशन, ही इज अ सीनियर टू देन मी, ही इज ऑल्सो सीनियर एडवोकेट, आई एम ऑल्सो सीनियर एडवोकेट। In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know. Because my question is, does if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस समय अंग्रेजों से जुड़ी यही भाजपा का संगठन लोकतंत्र और आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिखाई दे रहा है जहां वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उनको पूरी तरह से सदन की कार्यवाही से बाहर कर दे रहे हैं। इसको समझने के लिए देश के इतिहास में जाना होगा। जा रही थी उस समय यही अंग्रेजों से जुड़ा मात्र संगठन भाजपा का लोकतंत्र का विरोध कर रहा था, आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिख रहा है यहाँ पे, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई से बाहर कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष का जो आचरण रहा वह बिल्कुल संवेदनशील था नहीं था। सदन के बाहर संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की मिमिक्री करना उचित नहीं है। इस तरह के आचरण से देश की जनता आहत होती है। आचरण सदन में विपक्ष का दिखा वो संवेदनशील किसी हालत से नहीं कहा जा सकता है। असंवेदनशील चरित्र का प्रदर्शन सदन में करने के बाद इस तरह के मिमिक्री की जा रही है जो संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग, लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में काम कर रहे लोगों के बारे में, मैं समझता हूँ कि यह कतई उचित नहीं है। और इस तरह के वक्तव्य हो या इस तरह के आचरण से देश की जनता आहत होती है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि दुनिया में किसी भी संसद या किसी भी संसदीय प्रणाली का कोई उदाहरण नहीं है जिसने एक ही समय में इतने सारे लोगों को निलंबित कर दिया हो। ये अपमान है और ये हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। मुझे शर्म आती है कि इस देश में सत्ता में बैठे लोगों ने लोकतंत्र की शक्ति को बनाए रखने के लिए बजाय ऐसा होने दिया जो हमें दुनिया भर में अच्छी छवि और प्रतिष्ठा देती है। This is a dubious record in the history of parliamentary democracy, to the best of my knowledge and whatever research I've been able to do. There is no example of any parliament in any parliamentary democratic system in the world that has ever suspended so many people at one time. It is a disgrace, it is a blot on our democracy, and honestly, I am ashamed that those in power in this country would allow this to happen instead of preserving the parliamentary democracy that gives us a good image and reputation around the world. उत्तर प्रदेश के अयोध्या डीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा, हम लोगों ने 168 एकड़ भूमि चिन्हित की है जिसे नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग को दिया गया है, और कहा कि वहां एनटीपीसी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही हम बड़े पैमाने पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं और अयोध्या के पार्कों को सोलर ट्री लगाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोलर लाइट लगाकर नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दें।
हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पजेशन भी हम लोग का मिल गया है, और इसको रिन्यूअल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैंड दिया है, और वहाँ पे NTPC के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा, और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं, और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ लगा भी है आपका। तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी से एक जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें, और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर लाइट लगा सकते। बात करेंगे अगली खबर की। संसद में विवाद जारी है, वहीं विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर सबको निलंबित कर रही है। उनकी मंशा है कि वे बीजेपी आपराधिक प्रक्रिया को लेकर जो 3 कानून ला रहे हैं, तो इसको लेकर संसद में सियासत जारी है। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा, आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है, आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक पर आप सांसद राघव चड्ढा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिलकर पीएम चेहरे के रूप में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। और पीएम से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हमारे सांसदों समेत 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज पीएम से मुलाकात की, इस दौरान मैंने पीएम से राज्य को फंड जारी करने का आग्रह किया। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, बाधित के 100 दिन के लिए काम के लिए हमारा स्टेट को एक पैसा भी नहीं दिया था, तो 100 दिन का काम के लिए उसको पैसा जल्द से जल्दी देना। इसलिए आवास योजना का स्कीम बंद कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का स्कीम बंद कर दिया है, और हेल्थ मिशन का प्रोग्राम भी बंद कर दिया है, रुपया नहीं दे रहा है, फाइनेंस कमीशन को रुपया भी नहीं मिल रहा है। और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव दिन भर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और रात को योगी जी और मोदी जी के पास गुलदस्ता लेकर उनके शरण में जाते हैं। मोदी जी का जादू है, उन्हीं का बयान है, आप लोगों के चैनल पे चला, तो फिर जब मोदी जी का जादू है तो फिर 24 में कहां काकर लड़ रहे हो, तो मोदी जी का जादू चलेगा ना। तीसरा आप उठा के देखिए, ये लोग दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, रात को गुलदस्ता लेकर के शरणम गच्छामि योगी मोदी जी के शरण में जाते हैं। आपने अभी देखा पहली तारीख को सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया, गोमती रिवर फ्रंट पे कहां कहां कैसे कैसे लूटा, CBI जांच में खनन घोटाले में नाम आया, बच कैसे रहे हैं। हमारे आपके ऊपर अगर कोई एक मुकदमा लिख दिया जाए तो पुलिस घिरा के ले जाएगी जेल, ये बच कैसे रहे हैं, चाहे रामगोपाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उनके बेटे जो फंसे हैं उसमें क्यों बच रहे हैं। ये रात को जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ये जान बचाए रखिए, दिन में बोलने की छूट खाली दीजिए। तो ये हम तो ओम प्रकाश राजभर सट करके हम NDA में शामिल होके सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, अखिलेश जी हट करके सहयोग 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कर रहे हैं।
और रायबरेली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाएं चला रही है। बता दें कि लोगों के घर तक लघु सिंचाई योजना और हर घर जल योजना पहुंची, साथ ही किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना उठाना पड़े उसके लिए राज्य सरकार कार्यों की समीक्षा लगातार कर रही है। योजनाएं गरीब तक पहुंचे, उसका लाभ गरीब को मिले, जिससे लघु सिंचाई विभाग से मध्यम उतले गहरे पंप भी लग रहे हैं, जो सब्सिडी पूरा छूट है एक तरह का, तो उनको पानी की सुविधा उनको मिले, उनके खेत को पानी मिले। और खबर हमीरपुर से है, जहां नसबंदी कराने में लापरवाही हुई जिससे नवविवाहिता की मौत हो गई। बता दें कि अस्पताल में परिजनों ने हंगामा काटा, साथ ही परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर पैसा लेने के साथ साथ तमाम आरोप लगाए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। और खबर हमीरपुर से है, जहां नशे की हालत में रिक्शा चालक ने लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि फुटपाथ पर चल रहे लोगों को रिक्शा चालक ने टक्कर मारी, वहीं जोरदार टक्कर लगने से वृद्ध महिला घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भेजा, साथ ही शराबी रिक्शा चालक को हिरासत में ले लिया गया। मामला सदर कोतवाली इलाके के बस स्टैंड का बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।